हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए प्रोग्राम ग्लोबलाइजेशन थर्ड ईयर वैश्वीकरण और कृषि व कृषकों के आपसी संबंधों पर स्पष्ट करें, विकासशील देशों में कृषि के उदारीकरण के लिए मुख्य तर्कों की समीक्षा करें। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है और देखा जाए तो डीयू सोल इग्नू जैसे कॉलेज में 20 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते आ रहे हैं और ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा ये 8वां पार्ट है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण आधुनिक युग की सबसे बड़ी घटना है जिसका मूल्य आधार देखा जाए तो विश्व का आर्थिक एकीकरण करना है। लेकिन अगर देखा जाए कि वैश्वीकरण का जो संबंध है केवल आर्थिक कारकों से नहीं है बल्कि सांस्कृतिक राजनीतिक पक्षों से भी है और वैश्वीकरण ने व्यापार उत्पादन तथा बाजार व्यवस्था को परिवर्तन किया है। वैश्वीकरण ने कृषि को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है। प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि कृषि व्यवस्था की भिन्नता। कृषि मानव की आधारभूत या मूलभूत इकाई है या संरचना है जिससे एक खाद्य उत्पादन होता है तथा उत्पादों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। लेकिन विकसित और विकासशील देशों की कृषि व्यवस्था में अनेक अंतर पाए गए हैं। विकसित देशों की कृषि व्यवस्था, विकसित देशों में जनसंख्या का जो केवल 2/3 भाग क्या है, कृषि कार्य में लग जाता है। सिर्फ 2/3 जो भाग है वो कृषि के कार्य में यानी कामों में लगा दिया जाता है यानी लग जाते हैं। अधिकतर लोग सेवा क्षेत्रों से जुड़े होते हैं और विकसित देशों में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा खेती बाड़ी पर वो फोकस करते हैं। विकसित देशों में क्षेत्रों का आकार बहुत बड़ा होता है और विकसित देशों में प्रति हेक्टर उत्पादन बहुत ही अधिक होता है और यही कारण है कि विकसित देशों में उन्नति यानी यही कारण है कि विकसित देशों में उन्नत बीज खाद उर्वरक प्रयोग करके उत्पादन को और अच्छे तरीके से ये बढ़ाते हैं तथा विदेशों में कृषि उत्पादों को निर्यात किया जाता है। इस प्रकार विकसित देशों के सामने मुख्य प्रश्न ये है कि कृषि अत्यधिक उत्पादन का प्रयोग किस प्रकार से करे। तो प्यारे मित्रों, यहाँ हम बात करते हैं कि विकासशील देशों की कृषि व्यवस्थाएं। विकासशील देशों में लगभग अगर देखा जाए तो 50% से अधिक लोग कृषि तथा उसके गतिविधियों यानी कामों के साथ जुड़े हुए हैं या लगे हुए हैं और विकासशील देशों में खेतों का आकार बहुत होता है तथा उत्पादन करने का उनके पास ज्ञान नहीं होता यानी किसानों के पास ज्ञान की कमी है और विकासशील देशों में निर्वाह कृषि से की जाती है। किससे की जाती है? कृषि से। और अधिकतर खाद फसलों को ही उगाया जाता है, जो अधिकतर जो खाद है वो फसलों को ही उगाया जाता है। कृषि से संबंधित पूर्ण तथा उच्च ज्ञान की कमी से विकासशील देशों में प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है और यही कारण है कि विकासशील देशों में आधारभूत सुविधाओं जैसे सिंचाई, बिजली, उन्नत तकनीकी आदि का अभाव है यानी टेक्नोलॉजी का अभाव है जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हुई है। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव। विकासशील देशों में किसानों को उन्नत बीजों का लाभ प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से उत्पादन में वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में किसानों की कृषि के लिए आधुनिक तकनीक तथा मशीनरी का परीक्षण किया गया है जिससे क्या होगा, उन्हें कृषि में सुविधा मिल सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके। वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी है कि विकासशील देशों के कृषि उत्पादन अब क्या है, विकसित देशों यानी अब यहाँ पे प्यारे मित्रों आपको विकसित देश लिख लेना, विकसित देशों तक पहुंच रहे हैं जिससे उन्हें अच्छा मूल प्राप्त हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाजार में आने से एक देश में पैदा किए जाने वाले कृषि पदार्थ अब आसानी से अन्य देशों में भी प्राप्त हो सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि विवादों का मुख्य बिंदु क्या रहा है। कृषि और वैश्वीकरण के जो मुद्दे हैं यानी मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के बीच लंबे समय से वाद विवाद बना हुआ है। इस संबंध में प्रस्तुत विवाद निम्नलिखित है। कृषि उत्पादों का वैश्वीकरण, विकसित देश इस समस्या का समाधान कर रहा है। कृषि के अतिरिक्त उत्पादों के लिए नए बाजार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनके बाजारों में इतनी मांग
नहीं है कि तीसरी दुनिया के बाजार बेहतर विकल्प है, यानी तीसरी दुनिया के बाजारों के लिए ये बहुत बड़ा विकल्प है। इसलिए विकसित देश इस बात की मांग कर रहे हैं कि विकासशील देशों की कृषि व्यवस्था के लिए भी अपने बाजार खोल देने चाहिए। लेकिन विकासशील देशों का तर्क क्या है, देखते हैं। लेकिन विकासशील देशों के अनेक तर्क हैं। वह विदेशों के साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, यानी कृषि व्यवस्था में बाजारीकरण करना चाहते हैं, इसलिए विकासशील देश आगे आना चाहते हैं। ये था हमारा टॉपिक प्यारे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे समझा होगा और पढ़ा होगा। तो आप अपने नोटबुक में इसे तैयार कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सके और मार्क्स इंक्रीज कर सके। तो प्यारे मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।